अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आप सब लोग उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो सब घर में सूप बहुत ही शौक से पिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ सूप्स की रेसिपीज शेयर करूं। तो आज मैं चिकन कॉर्न सूप बना रही हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले इसके लिए एक डीप पैन लिया और उसमें मैं डालूंगी तकरीबन 400 ग्राम्स चिकन। इसमें डालेंगे हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज रफली चॉप, फिर उसमें जाएंगे 4 to 5 लहसुन के क्लोव्स, एक गाजर जो मीडियम साइज़ की थी वो मैंने इस तरह से काट ली है, फिर उसमें जाएगा 1 teaspoon सॉल्ट। ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हम तकरीबन 6 to 7 ग्लास इसमें पानी के डाल देंगे। ये इसमें पानी डाल दिया हमने और तो ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा कि ये चिकन अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट हो जाए और जो ये इसकी यहनी है वो तैयार हो जाए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, हमने इनको चिकन को वेजिटेबल्स के साथ पकने के लिए रख दिया था। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए चिकन बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है और कैरेट्स भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, लहसुन भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे और जो चिकन है उसको हम बोन्स अलग करके उसको श्रेडर कर लेंगे। चिकन को मैंने बोन्स को अलग करके उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया। उसमें अब हम 1 चाय का चम्मच नमक और डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें। 1/2 teaspoon जाएगा उसमें काली मिर्च का पाउडर, 2 tablespoon वाइट विनेगर, 2 tablespoon सोया सॉस। ये मैंने बॉयल्ड कॉर्न लिए 1/2 cup, हाफ कप में से हाफ मैंने यूँ इनको साबुत रखा है और हाफ को मैंने यूँ पीस लिया है, रफली उनको पीस लिया। उसके बाद इसमें जाएगा 1 egg जिसको कि हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखें, और ये मैंने लिया है 3 heapful यानी भरे हुए 3 tablespoons मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लोर के, जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अच्छा, स्टेन करने के बाद ये जो चिकन स्टॉक यानी यहनी हमारे पास बची थी ये तकरीबन 4 to 5 ग्लास है, इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था दोबारा, इसको बॉयल आ रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 teaspoon या 1/2 teaspoon जितना अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें नमक डालेंगे, 1/2 teaspoon इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 2 tablespoon सोया सॉस, 2 tablespoon विनीगर, और ये जो कॉर्न्स थे बॉयल्ड ये डालेंगे हम इसमें। बॉयल कॉर्न्स बाज़ार से भी मिल जाते हैं और आप घर ला के भी उनको बॉयल कर सकते हैं। ये इसमें जाएंगे जो पीस के मैंने कॉर्न्स रखे थे वो। तो इन तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद आप इनको बस थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट तक पकाएं। अच्छी तरह से जब इसको बॉयल आ जाएगा 1-1.5 मिनट में, तो इस स्टेज पर फिर हम इसका फ्लेम करेंगे बिल्कुल स्लो। और ये जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स करके रखा था पानी में, इसको हम स्लोली स्लोली इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। और इसको हमने जितनी थिकनेस तक रखना है हम उतना कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें वो जो 3 tablespoon मिक्स करके रखा था मैंने उसमें सारा डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। इसको बॉयल आ चुका है
इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें जो अंडा हमने फेंट के रखा था वो स्लो स्लो इसमें ऐड करेंगे और इसको हिलाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, थोड़ा सा चिकन मैं गार्निशिंग के लिए रख लूंगी और बाकी चिकन मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस तरह से। तो ये रेडी है ज़बरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। खुश रहें, खुद भी अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों को खुश रखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।